प्रश्न, क्या रमजान के महीने में सुगंध लगाना धर्म संगत है? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। रमजान के महीने में सुगंध का प्रयोग करना जायज है और उससे रोजा खराब नहीं होगा। अस्थाई समिति के फतावा में है कि गंध अर्थात बू सामान्यतः चाहे सुगंध वाले हों या बिना सुगंध के हों रोजे को खराब नहीं करते हैं, चाहे वो रमजान में हो या रमजान के अलावा में, फर्ज रोजा हो या नफल। अंत हुआ। तथा अस्थाई समिति ने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति ने रोजे की हालत में रमजान के दिन में किसी भी प्रकार की सुगंध लगाई उसका रोजा खराब नहीं होगा, किंतु वह बुखूर अर्थात धूनी और पाउडर वाले सुगंध जैसे कि कस्तूरी का पाउडर नहीं सूंघेगा। अंत हुआ। तथा शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने फरमाया, जहां तक सुगंध लगाने की बात है तो यह रोजेदार के लिए दिन के प्रारंभिक और अंतिम दोनों भागों में जायज है, चाहे यह सुगंध बुखूर अर्थात धूनी हो या तेल हो या इसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ हो, किंतु धूनी को नाक के द्वारा सूंघना जायज नहीं है, इसलिए कि धूनी के प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाले कण होते हैं, उसे जब सूंघा जाता है तो नाक के अंदर प्रवेश करके पेट तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकीत बिन सबिरह रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया था, नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा से काम लो सिवाय इसके कि तुम रोजे से हो। अंत हुआ।